नाउ क्वेश्चन में भी राइजेस, हाउ वी कैन डिटेक्ट अ चार्ज ऑन अ बॉडी. चार्ज तो दिखता नहीं है, तो आप किसी बॉडी पे हम लोग चार्ज डिटेक्ट करें कैसे? तो उसके लिए हम लोग याद रखेंगे, एक स्टार बना के पॉइंट लिख लेंगे कि चार्ज, प्रेजेंट ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप और मोर अप्रोप्रिएट गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप. तो इसको स्टार बना के हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, एंड नेचर ऑफ चार्ज कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप. तो अगर आपसे नॉर्मल सा कोई पूछे कि व्हाट इज GLE, तो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी. डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इस तरह से. इसके बारे में क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ बात नहीं करनी है. जिनको जिनको पढ़ने पढ़ना है अगर इनके बारे इसके बारे में, तो आप क्लास 8 की बुक पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा. एक छोटी सी बात जो यहाँ पे आप समझेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग बेसिकली ई से लिखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नोटेड बाय ई. और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पे चार्ज होता है, इस टर्म डैश इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है या जो चार्ज प्रोटोन पे होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अब यहां पर सबसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हमारे पास मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग देखेंगे चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. बहुत छोटे से जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर. तो पहला प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. अगली प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एक चार्ज का, कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करो और आपको इसको काफी अच्छे से समझना है, हम उस पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है उसका. द चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. चार्ज जो है किसी बॉडी पे वो क्वांटाइज्ड होता है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट चार्ज प्रेजेंस ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. किसी बॉडी पे जो चार्ज मौजूद होता है एक्चुअली में वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का. मतलब समझो, हमने कहा कि अगर किसी बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा. आप सोचो कि अगर एक एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपके पास ये बॉडी ए था और ये बॉडी बी था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन कट एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इसके ऊपर चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम प्लस में, जो किससे इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें गया है, तो इस पर चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तब, अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या होगा? तो अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. इस पर दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 × -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये -3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम.
अगर 10 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हुआ तो 10 × 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। इधर भी सेम, 10 × −1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। तो यहाँ जो चार्ज हो जाएगा वो 16 × 10⁻¹⁹ कूलम, यहाँ जो चार्ज होगा वो −16 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अगर आप देखोगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 × 10⁻¹⁹ इसको ई बोल सकते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है तो −1 × −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 2 हो रहा है तो 2 × दिस, इसको हम ई बोल सकते हैं। अगर 10 हो रहा है तो इतना, अगर 100 हो रहा है तो 100 × ई प्लस इस बॉडी पर चार्ज आएगा। और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, −100 × ई। अगर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो +N × ई। अगर एन इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो −N × ई। इसका मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है, ये तो चार्ज ही आ रहा है इस बॉडी पे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये चार्ज ही तो है, इस बॉडी पे चार्ज आ रहा है। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है एक्चुअली में किस फॉर्म में होता है, Na के फॉर्म में। यहाँ पे भी जो बॉडी में चार्ज आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, Na के फॉर्म, चाहे वो +Na हो या -Na हो। तो किसी बॉडी पे जब चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इट ऑलवेज कम इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज ई। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि चार्ज किसी बॉडी पे प्रेजेंट जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, यानी कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ऑलवेज ऑलवेज वो क्यू इज इक्वल टू +−Ne होता है। प्लस माइनस, जहां एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड क्यू इज चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव, और किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है तो वो निगेटिव। यानी चार्ज का आपको नॉर्मल से फॉर्मूला मिल गया मैग्नीट्यूड के लिए, और वो होगा क्यू इज इक्वल टू एनी। किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्यू इज इक्वल टू एनी के बराबर होगा। इस पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो अगर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो बॉडी पे चार्ज आता है 3 × 10⁻³ × 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। 10 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो 16 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप देखो तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना छोटा है, बहुत छोटा सा चार्ज है। यानी कि एक बॉडी पे अगर हमको चार्ज लाना है 1 कूलम का, 1 कूलम, तो 1 कूलम इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम, छोटा चार्ज नहीं है 1 कूलम। 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है। और अगर आप चाहते हो कि किसी बॉडी के, हमारे पास ये कैप है और ये पेन है, हम चाहते हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले और इस पेन पे आ जाए, तो हम चाहते हैं कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पे ++1 कूलम का चार्ज आए और इस पे -1 कूलम का चार्ज आए। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या इसे प्लस कूलम चार्ज आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इतना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से इतना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलने से इतना आएगा, और जबकि ये बहुत छोटा है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकले कि इस बॉडी पे चला जाए, इस बॉडी पे -1 कूलम का चार्ज आ जाए और इस पे +1 कूलम का चार्ज आ जाए। इसको हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, और इस क्वेश्चन को समझना ही, समझाने के लिए ही मैंने उतना चीज लिखा है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो, कि एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि उस बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज आ जाए। क्वेश्चन बना लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है 1 कूलम चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं, चलिए आइए बनाइए, क्यू इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू तो चार्ज है जो आपको निकालना है। चार्ज यहाँ 1 कूलम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो गिवन क्या है, गिवन है आपको चार्ज का वैल्यू, गिवन है 1 कूलम है। सॉल्व करते हैं, क्यू की जगह पे 1 कूलम आप लिख देंगे, इज इक्वल टू एन ऐसे ही लिखेंगे, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम। इस कूलम से ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, एन का वैल्यू आपको निकालना है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ −19। पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर 10 चला जाएगा, ये माइनस में है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 × 10⁻¹⁹ / 16 एन का वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 / 16
इंटू 10 to the power 18। होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक 10 निकाल के इसमें ऐड कर लिए, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 to the power 18 एन का वैल्यू। और एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि हाँ मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक बॉडी से दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ा नंबर है ये, दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी पर जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम लोग मास के बारे में बात करते हैं कि मास अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इन द सेम मैनर चार्जेस ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, सो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। अब जब हम लोग रब करते हैं तो चार्ज से पैदा करते हैं, किसी बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज लाते हैं, -1 कूलम का चार्ज लाते हैं, तो वो चार्ज तो हम क्रिएट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्चुअली में जब हम कहीं पर +1 का चार्ज क्रिएट करते हैं तो एट द सेम टाइम किसी और बॉडी पे -1 का भी चार्ज क्रिएट होता है। इट मीन्स चार्जेस, नेट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इन अपोजिट एंड लाइक पेयर्स ओनली। अगर आप चार्जेस क्रिएट करना है तो आपको कहीं पर एक +1 का चार्ज क्रिएट करना होगा, एट द सेम टाइम कहीं और -1 का भी चार्ज क्रिएट करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि +1 का चार्ज डिस्ट्रॉय करें, एट द सेम टाइम आपको इस यूनिवर्स में -1 का चार्ज भी डिस्ट्रॉय करना होगा। दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी की बात करोगे चार्ज की, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि अगर किसी बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज लाना चाहते हैं हम, या किसी बॉडी पे -1 कूलम का चार्ज लाना चाहते हैं, तो हमको दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी से ट्रांसफर करना होगा या बॉडी में गेन करना होगा। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है ये काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है चार्ज का। तो इसका स्मॉलर यूनिट भी ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद होगा। तो कुछ स्मॉलर यूनिट जो चार्ज के हैं वो हमारे पास है मैक्रोकुलम एंड 1 मैक्रोकुलम, दिस इज सिंबल ऑफ मैक्रो। 1 मैक्रोकुलम इज 10 to the power -6 कुलम एंड देन मिलीकुलम 1 मिलीकुलम इज 10 to the power -3 कुलम। ओके, तो दीज आर द सम स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्जेस। अब अगर कोई बॉडी पे चार्ज है तो ऑब्वियसली है जब किसी बॉडी पे मास होता है तो मास के बीच में फोर्स लगता है, जिसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, दैट व्हाट वी कॉल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास 2 बॉडी है और दोनों बॉडी पे चार्ज है, तो उन दोनों बॉडी पे अगर चार्ज है तो उस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा। इस बात को सबसे पहले कूलम्स ने बताया था और नाम ही दिया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या है कि आपके पास अगर 2 चार्ज है, स्ट्रिक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली पॉइंट चार्जेस ओवर हेयर इन कूलम्स लॉ, नॉट फॉर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ चार्जेस। इफ वी हैव दिस पिन और चार्ज इस पूरे पिन की बॉडी पे सर्फेस पे अगर हो, जैसे ये हमारे पास एक रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, इस पूरे बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ चार्ज। और अगर बॉडी चार्ज किसी बॉडी पे पॉइंट, कोई पॉइंट मास है उसके ऊपर अगर चार्ज है तो वो पॉइंट मास कहलाता है। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। और इस कूलम्स लॉ, अगर आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, जो 2 बॉडी एक पॉइंट पॉइंट मास है उस पर रखा हुआ, या पॉइंट चार्ज है दोनों Q1 Q2, तो ये इन दोनों के बीच का जो आर है स्मॉल आर, तो ये पॉजिटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर, ये जो चार्ज Q1 है ये Q2 चार्ज से फोर्स लगाएगा और इसके वजह से ये Q2 चार्ज इस तरफ एफ फोर्स से रिपेल होगा। एट द सेम टाइम Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा और इधर रिपेल होगा। अगर दोनों का नेचर अपोजिट हो, Q1 माइनस हो, नेगेटिव चार्ज हो, और Q2 पॉजिटिव चार्ज हो, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कूलम्स फर्स्ट गिव द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ फोर्स व्हेन 2 चार्जेस सेपरेट बाय डिस्टेंस आर। वट इज कूलम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलम्स, कूलम्स का कहना क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन इन द केस ऑफ डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्शन इन द केस ऑफ लाइक चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्जेस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैथमेटिकली अगर देखें तो कूलम्ब का कहना था कि जो एफ है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, क्यू वन इंटू क्यू टू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम के। ये दूरी जब ज्यादा कर देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, दूरी कम कर देंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अगर दोनों का कंबाइन कर लें तो इट शुड बी एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम रिमूव करेंगे तो वी गेट अ कॉन्स्टेंट एंड हियर वी गेट अ कॉन्स्टेंट के। दिस कॉन्स्टेंट के इज कॉल्ड कूलम्स कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेदर दे आर सेम और अनलाइक एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर वेयर के इज कॉन्स्टेंट। अगर इसको एनालॉग देखोगे तो पहले जो हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशनल लॉ में वो होता था हमारे पास एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बैलेंस का, ये बिल्कुल सेम है, बट वहाँ जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ के है एंड के इज व्हाट, तो के जो है आपके पास कूलम्स कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। इफ वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। इन सी जी एस सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन, सो एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर। के की जगह पे हमने वन पुट कर दिया तो फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला हमको निकल गया एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इन ऐसा यूनिट में भी अलग अलग मीडियम के लिए फोर्स अलग अलग होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये जो कॉन्स्टेंट के है ये यूनिट के अलावा, सिस्टम ऑफ यूनिट के अलावा मीडियम पे भी डिपेंड करता है। एंड मीडियम वी कैन राइट दिस एंड मीडियम, इट मीन्स दैट अगर आपके पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस को अगर आप हवा में रखोगे तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो उसका जो वैल्यू होगा वो कुछ और होगा एज कम्पेयर टू अगर दोनों को हम वाटर में रख दें, दोनों को अगर हम एब्रेसिव में रख दें, एक थर्मोकॉल के बीच में रख दें, अलग अलग जगहों पर अगर हम दो चार्ज को किसी डिस्टेंस से रखते हैं तो अलग अलग फोर्स का वैल्यू होता है। इट मीन्स दैट द फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट ऑल्सो। इस मीडियम के बारे में हम लोग अभी कुछ बात नहीं करेंगे, बट इन ऐसा यूनिट की अगर बात करें और वैक्यूम या एयर लेंस को हम फ्री स्टेज भी कहते हैं, तो इसके कॉन्स्टेंट का वैल्यू जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। यूनिट तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आप को याद है यूनिट निकालना आता है आपको, तो हम पढ़े हैं कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल लो, के इज इक्वल टू एफ सी आर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन क्यू टू। और अगर आप देखोगे तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन इंटू आर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम इंटू कूलम, इट शुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट वी हैव न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इन ऐसा यूनिट में आपको के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ना फोर्स बिकम 9 × 10⁻⁹ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ फॉर फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन व्हेन दे आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। एक छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं कूलम्स लॉ पे, एंड दैट इज फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। आपके पास स्मॉल स्फीयर है, इसका मतलब यह हुआ कि स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जा सकता है, ऑफ चार्जेस प्लस 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस 0.8 माइक्रो कूलम सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस। दो चार्जेस हैं, बहुत आसान है सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, जो जो कि मैंने लिख देते हैं। क्यू वन का वैल्यू जो है वो 0.4 माइक्रो कूलम है, दैट इज 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। क्यू टू जो हमारे पास मौजूद है वो 0.8 माइक्रो कूलम है, दैट इज 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। आर गिवन है डिस्टेंस बिटवीन देम 12 सेंटीमीटर, बट ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में करना होगा 0.12 मीटर। फाइंड फोर्स, अब फोर्स फाइंड कर लें, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वी कैन फाइंड फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही है, बात करेंगे सबको मैंने ऐसा ही मिली है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 0.4 × 10⁻⁶ × 0.8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.12 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एस आफ्टर सॉल्विंग। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये -6 है। पहले इस पॉइंट को रिमूव करो, इस पॉइंट को रिमूव करो, नीचे 100 हो जाएगा, इस बात को आप पहले याद कर लें। ये 9 × 10⁻⁹ है, 6 − 12 − 12 में से अगर 9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 9 × 4 × 8 × 10⁻³। फर्दर ये 0.12 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स दैट 0.12 × 0.12, और अगर पॉइंट रिमूव कर दें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 100 × 100।
एक पे 4-0 और नीचे है एक पे 3-0। इस 2-0 से 2-0 कैंसिल, 4 के टेबल से 2 टाइम में, 4 के टेबल से 3 टाइम में, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू बचेगा 2 × 10⁻³ और ये 10⁻² टू सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹, यानी एफ इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर।